बीबीसी के दिल्ली और मुंबई ऑफिस पर मंगलवार की सुबह आयकर विभाग की टीम पहुंची। दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग पर बीबीसी का ऑफिस है। यहां आईटी की 24 मेंबर्स की टीम ने रेड की। इस दौरान स्टाफ के फोन बंद करा दिए गए और सभी को मीटिंग रूम में बैठने को कहा गया। बाद में कर्मचारियों से दफ्तर छोड़कर घर जाने के लिए कहा गया। उधर मुंबई के सांता क्रूज इलाके में बीबीसी स्टूडियो पर भी इनकम टैक्स विभाग की टीम पहुंची। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग ने बीबीसी के वित्त विभाग से पिछले कई सालों की बैलेंस शीट और लेन देन का ब्यौरा मांगा। आयकर विभाग के सूत्रों की माने तो अंतर्राष्ट्रीय कराधान और कुछ वित्तीय अनियमितताओं को लेकर ये सर्वे किया गया। आयकर विभाग के सूत्रों के अनुसार बीबीसी पर इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी का आरोप है, इसी को लेकर सर्वे किया गया। एक सर्वे के तहत आयकर विभाग केवल कंपनी के व्यावसायिक परिसर की ही जांच करता है और इसके प्रवर्तकों या निदेशकों के आवासों और अन्य स्थानों पर छापा नहीं मारता है। बेसिकली एक इंस्पेक्शन की प्रक्रिया है। ऑन द स्पॉट इंस्पेक्शन की जरूरत पड़ती है इनकम टैक्स अथॉरिटीज को बहुत से कारणों की वजह से। सो इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 133A इनकम टैक्स अथॉरिटीज को ये पावर देता है कि वो यदि आवश्यक समझें तो किसी भी केस में इनकम टैक्स एक्ट के पर्पजेस के लिए वो इंस्पेक्शन कर सकते हैं। अब इंस्पेक्शन किस चीज का कर सकते हैं? वो बिजनेस प्रीमिसेस का। बीबीसी के ऑफिसों पर कार्रवाई को कांग्रेस ने पीएम मोदी पर बनी उसकी डॉक्यूमेंट्री से जोड़ा है। पार्टी ने ट्वीट कर इसे अघोषित आपातकाल बताया। पार्टी ने अपने ट्वीट में लिखा, पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, उसे बैन किया गया, अब बीबीसी पर आईटी का छापा पड़ गया, अघोषित आपातकाल। जबकि कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यहां हम अडानी के मामले में जेपीसी की मांग कर रहे हैं और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। महाराष्ट्र से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने कहा कि कलम का सर कलम करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल हाल ही में बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री आई। यह डॉक्यूमेंट्री साल 2002 के गुजरात दंगों पर थी। केंद्र सरकार ने प्रोपेगेंडा बताते हुए इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी थी। डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर कई यूनिवर्सिटियों में बवाल भी मचा था। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं दायर हुई हैं। ऐसे में विपक्ष आयकर विभाग की छापेमारी को बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से जोड़कर केंद्र पर निशाना साध रहा है। वही कांग्रेस के बयान के बाद बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस आपातकाल की बात ना करें, प्रेस की आजादी की बात करने वाले खुद आईना देखें। उन्होंने कहा कि एओ ह्यूम की बनाई पार्टी कांग्रेस का चाल चरित्र अभी भी ब्रिटिश ही है। लगता है अंग्रेजों ने 1947 में भारत छोड़ने के बाद बीबीसी के विघटनकारी एजेंडे की देश में आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस को सौंप दिया था। खैर, आपातकाल और प्रेस की आजादी की बात करने वालों को आईना जरूर देखना चाहिए। बाद में बीजेपी की ओर से इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। बीबीसी के अगर कृत्य देखें, जिसके उदाहरण मैं आपके समक्ष अभी पेश करूंगा, तो ये पूरे विश्व की सबसे भ्रष्ट बकवास कॉर्पोरेशन हो गई है। और दुख की बात यह है कि बीबीसी का प्रोपेगेंडा और कांग्रेस का एजेंडा एक साथ मेल खाता है। कांग्रेस ने भी बीजेपी को जवाब दिया कि वैसा कोई भी व्यक्ति बख्शा नहीं गया है जिसने कोई सवाल उठाया है। तो बीबीसी के साथ ये होना ही था, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले उन्होंने एक तरह से प्रधानमंत्री को एक्सपोज करने का काम किया, जो 2002 में जो दंगा हुआ था गुजरात के अंदर, नरसंहार हुआ था, उसको लेकर बीबीसी ने एक फिल्म बनाई थी, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी, वो सारी दुनिया में देखा गया। तो इससे नरेंद्र मोदी जी की और अमित शाह जी की नाराजगी हमको लगता है कि उनके हिसाब से जायज़ है। बीबीसी के ऑफिसों पर आईटी रेड की खबर को टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने चौंकाने वाली खबर बताया। मोइत्रा ने ट्वीट किया, बीबीसी के दिल्ली दफ्तर में आयकर की छापेमारी, बहुत खूब, चौंकाने वाला। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीबीसी के दफ्तरों पर छापा मारकर केंद्र सरकार ने खुद को और देश को शर्मसार किया है। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने भी बीबीसी ऑफिस पर इनकम टैक्स के छापे को लेकर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि बीबीसी कार्यालय पर छापे का कारण बिल्कुल साफ है, सरकार सच बोलने वालों को परेशान कर रही है, चाहे वो विपक्षी नेता हो, मीडिया हो, कार्यकर्ता हो या कोई और। उन्होंने कहा कि सच्चाई के लिए लड़ने की कीमत चुकानी पड़ती है। आपको बता दें कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी
वर्ल्ड सर्विसेज टेलीविजन ब्रिटिश सरकार की संस्था है। ये 40 भाषाओं में खबरें प्रसारित करता है। ब्रिटेन की संसद के ग्रांट के जरिए इसकी फंडिंग होती है। इसका मैनेजमेंट फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस के जरिए होता है। ये डिजिटल, कल्चर, मीडिया और स्पोर्ट्स विभाग के तहत काम करती है। बीबीसी को एक रॉयल चार्टर के तहत साल 1927 में शुरू किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज़।